Hi everybody, my name is Rubasim and I've qualified CSIR and HRF June 2020 with an All India rank of 55, and I'd like to tell you all that I'm no expert. What might work for me might not work for you. लेकिन एक जनरल स्ट्रैटेजी जो होती है कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, आई एम हेयर टू टॉक अबाउट दैट. सो आई एम प्रिटी श्योर क्या कहते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे इसको लेके. आई वॉज रियली टेंस्ड एज वेल. सो स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सबका मोरल बहुत डाउन हो गया था. तो सिंपली स्पीकिंग आई एम प्रिटी श्योर 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स तो एकदम वो हो गए होंगे कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं भी होगा. तो स्टार्टिंग से तो किसी ने पढ़ाई करी नहीं, बीच में सब लाइट हो गए थे. लेकिन क्या कहते हैं, उसके बाद आई थिंक वेन द डेट फॉर अनाउंसड एंड वी केम टू नो कि ओके एग्जाम होगा, जब और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए तो हमें आइडिया हुआ था. दैट इज़ वेन एवरी वन एल्स गॉट सीरियस अबाउट इट, विच वॉज लाइक 2-3 मंथ बिफोर द एग्जाम. सो द सेम वे आई वॉज टेकिंग इट लिटिल कैजुअली. आई वॉज जस्ट स्टडिंग कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया मॉड्यूल, पढ़ लिया अपना सिलेबस, देख लिया उसी टाइप का आता है, हो गया. लेकिन एज इट वॉज अप्रोचिंग, एज एग्जाम वॉज अप्रोचिंग, I started taking it seriously and I think that is what has helped me qualify the exam. So the first thing I did was ki sabse pehle there are 13 chapters. I'm sure ye sab repeat karte honge. I'll say the same thing because obviously ye cheez common hai ki 13 chapters ke aapne sabse pehle list bana li. Aap dekhenge ki aapke strong points kya hai, aapke weak points kya hai. Because my main subject is biochemistry, I had this advantage ki सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, ये सब मुझे हमेशा, मैंने एक ब्रीफ पढ़ा हुआ था. तो लाइक इफ समवन टॉक्स अबाउट दिस, मुझे एक आइडिया है कि हाँ SSS होता है, माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी, सब मैंने पढ़े थे. मेरा जो कहते हैं मेन प्रॉब्लम बाकी सारे सब्जेक्ट से था. लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने इतना पढ़ा था कि मैं CSIR निकाल लूँ. तो उसके लिए यू नीड टू डू क्लासेस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओपन टेक्स्ट बुक्स, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले आपने लिस्ट बना ली, आप देखें आपको क्या क्या कितना कितना आता है. कोई भी चीज़ अगर आती है थोड़ी सी भी, तो उसको ऑब्वियसली आप टिक करेंगे, आपको वो अप्रोच करना है. 9-10 टाइप चैप्टर्स आपको अपने पक्के 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 करने हैं, और बाकी 3 ऐसा नहीं कि बिल्कुल देखा ही नहीं, थोड़ा सा देखना इज़ अ मस्ट. बिकॉज यू नीड टू नो कि अगर चलें आप टेक्निक्स नहीं करना, यू डोंट लाइक इट, बट इफ़ यू हैव टेक्निक्स लाइक CDNMR, पता है रिपीट होता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, यू सीन प्रीवियस पेपर्स, सो वाई नॉट जस्ट सी वॉट द ग्राफ लुक्स लाइक, और वाई नॉट जस्ट सी कि कोई निमोनिक्स की तरह याद कर सकते हैं, कोई बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये ऐसा था, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, जिससे पार्ट सी में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है. तो लास्ट 2-3 मंथ में वॉट आई डिड, विच वॉज द टाइम वेन आई एक्चुअली गॉट सीरियस अबाउट द एग्जाम, वेन आई रियलाइज की ओके इट्स हाई टाइम, आई नीड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड स्टार्ट स्टडिंग. तो आई यूज टू स्टडी फॉर 15-18 आवर्स अ डे, कब बहुत कम हो गया तो 15 घंटे, बहुत ज़्यादा हो गया तो 18 घंटे, ठीक है. बट देन आई वॉज स्लीपिंग ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक आई वॉज जस्ट फोकस्ड अराउंड कि नहीं बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है और पागल हो जाना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट यू स्टडी, यू कैन जस्ट मग एवरीथिंग अप, राइट. तो सिस्टमेटिकली लेके चलना है, इतने दिन में इतने चैप्टर, इतने दिन में इतने चैप्टर, इतने तक कर लेना है. और ऐसा नहीं कि आज मुझे अगर क्या कहते हैं सेल कम्युनिकेशन ही पढ़ना है तो आज मैं सिर्फ वही पढ़ूंगी. शाम में आधा एक घंटा निकाल के डेव बायो के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. If you're studying plant physiology, तो थोड़ा सा ecology and evolution के भी questions कर सकते हैं. तो उससे ये होगा कि ये सब तो अपना याद हो रहा है, लेकिन बाकी सबके भी थोड़ी थोड़ी practice हो रही है. Once you're done studying, always okay. When you're watching videos, मैम खुद ही बहुत अच्छे notes बना के देती हैं, उतना हमें कुछ टेक्स्ट बुक से निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. बिकॉज an academy पे whatever notes you want, they're all available and in a very beautiful way. You don't need to do anything else. All you need to do is just write down the important points at least खुद से, okay. उससे ये होता है कि वंस यू राइट इट, यू विल रिमेंबर कि ओके शायद मैंने ये पढ़ा था, शायद मैंने कहीं देखा था. तो दैट हेल्प्स, दैट रियली हेल्प्स. एंड देन वंस यू डन विद दैट, देन कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस. आई जस्ट से कि मैम रियली हेल्प इन दिस वे, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें हुई कि शी वुड जस्ट कीप ऑन गिविंग अस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन करवाती रहती थी. देन कॉम्पिटिशन होते थे, है ना, कि क्विज राउंड होगा, कौन जीतेगा. आई नेवर वन sadly, but I always was very enthusiastic about okay ठीक है रात के 11 बजे होगा, ये session है, वो session है, and then those things. Also when you do previous year question papers, you will know कि कौन से topic repeat होते हैं, कौन से topic उतने repeat नहीं हुए हैं. तो जो बिल्कुल नहीं हुए हैं उनके chances कम है, खैर देख लेना बनता है, you never leave
एनीथिंग, ऐसे भी नहीं कि जो द नॉर्थ कैर्स कट ऑफ. सो या सो ऐसा भी नहीं है कि वो सब आप चैप्टर्स भी 60% कर लिए तो लगा कि हाँ हो गया. नहीं, वो पूरा करना है, सारे अच्छे से करने हैं जितना हो सकता है. ओके, सेकेंड इज मैम ने केसी टेक्निक बताई होगी. इफ़ यू नो केसी टेक्निक, पार्ट सी के 7-8 क्वेश्चन ऐसे सोते हुए निकल जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट पता है कि केसी टेक्निक का क्या है, विच इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर नेवर द करेक्ट आंसर. और क्या कहते हैं, नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो कि पुराने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं यूजली वो नेक्स्ट सेमेस्टर लाइक नेक्स्ट एग्जाम राउंड में वो स्टेटमेंट्स की तरह आ जाते हैं. तो जस्ट नो दीज थिंग्स, राइट? तो ये सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं पेपर करते वक्त, पढ़ाई करने वक्त नोट्स बनाएं, पेपर करते वक्त ये हुआ, प्रैक्टिस करी वगैरह. नाउ ऑलवेज स्टार्ट विद पार्ट सी, देन डू पार्ट ए और बी, विच एवर यू थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. आई थिंक ऑप्ट फॉर बी इज बेटर क्योंकि सी में आप ऑलरेडी साइंस कर चुके हैं, तो बी में क्या कहते हैं आप कंटिन्यू करना है आसान. तो कुछ लोग को लगता है कि ए पहले कर लें ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए माइंड, फिर बी पे. आई प्रीफर डूइंग बी फर्स्ट क्योंकि ए के लिए मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी. इनफैक्ट आई डिड लेस क्वेश्चन इन ए, लेकिन मेरा बी और सी उतना काफी अच्छा हो गया जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया. तो दिस इज अनदर थिंग. रेस्ट ऑल आई थिंक अनअकैडमी पे जो नोट्स होते हैं देर मोर देन इनफ, लाइक रियली रियली मोर देन इनफ. मैम ने इतनी मोटी मोटी 100-150 पेजेस स्लाइड्स के पीडीएफ शेयर करे हुए थे, लाइक दीपिका मैम के सारे जितने भी मॉड्यूल्स थे उन सब पे थे. तो आई डिडंट नीड टू रेफर टू बुक्स इन जनरल, थोड़ा बहुत देखना हुआ तो देख लिया, वरना दे वर सफिशेंट. कुछ चैप्टर्स जो मैम नहीं पढ़ाती हैं वो आप दूसरे एजुकेटर्स की भी देख सकते हैं चाहे तो, उनके नोट्स अवेलेबल भी होते हैं. दैट्स हाउ यू कैन डू इट. एंड व्हाट एल्स, फिर एग्जाम कैसे देते हैं तो पता ही है कि क्या कहते हैं ऑलवेज यू नो दैट कि पार्ट सी में हमें हमेशा क्या कहते हैं 25 क्वेश्चन करने. तो ऐसे नहीं कि बस 25 पहले 25 कर लिए अटेम्प्ट कर लिए, नहीं, डोंट डू दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज सी ऑल द क्वेश्चंस. मैम ने बताया था कि वन वन करके सबके लिखने हैं, देन सी कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है, जो चैप्टर पढ़ा है उस क्वेश्चन पे टिक लगा देना है अपने पेपर में, जो एफएसएस पेपर मिलता है उसको लगाने से ये फायदा होगा कि यू नो कि दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन अप्रोच और यू कैन अटेम्प्ट. सो जो क्वेश्चंस जो मतलब जो चैप्टर्स पढ़े नहीं है, जो क्वेश्चंस लगता है कि नहीं आएंगे, उनको जब नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा. अगर उनको पढ़ लिया और नहीं आए तो उस वक्त डर के इंसान सब गड़बड़ कर देगा. उसके बाद सेम विद पार्ट बी, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, स्टेटमेंट में ही आंसर होता है. तो बस वही चीज़ है कि और यू हैव टू वर्क हार्ड, बिना पढ़े नहीं निकलेगा एग्जाम. अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली एग्जाम हो जाएगा. और क्या कहते हैं, इफ़ यू नीड हेल्प देन टेलीग्राम ग्रुप है मैम का, यू कैन ज्वाइन दैट. और क्या कहते हैं, उसमें देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, एवरी वन इज ऑलवेज डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑल द टाइम, सुबह शाम दिन रात, रात के 2-3 बजे कभी भी देखेंगे तो सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं. यू कैन सॉल्व दैट, यू कैन सी हाउ अदर्स हेल्प देम सॉल्व, यू कैन ट्राई टू क्या कहते हैं, यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन क्वेश्चन एंड दे विल हेल्प यू सॉल्व दैट. तो उससे एक हमेशा ना एक फ्रेश रहता है कि ओके चलो आज मैंने ये नहीं पढ़ा तो यहाँ हो गया. फिर जितने फॉर्मूलाज होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, मेक चार्ट्स, पुट देम ऑन योर वॉल्स. इस सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमें लगता है कि इनसिग्निफिकेंट हैं, बट वेन इट कम्स ऑल टुगेदर इट रियली हेल्प्स टू अप्रोच द एग्जाम. एंड द नाइट बिफोर द एग्जाम रेस्ट, हैव फन, स्लीप, कोई भी ज़रूरत नहीं है लास्ट ईयर पढ़ने की क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सब चीज़ें बिल्कुल रिटेन नहीं हो पाती. तो बस गिव योर एग्जाम्स विद अ गुड हार्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू वर्क हार्ड एंड रिफर टू द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें मैम बताती हैं, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, लाइक देयर इज नो चांस यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. सो दैट्स इट एंड थैंक यू.